तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत तो कारमो पर आ जाए, वर्ल्ड कप जीतवानु करोड़ों भारतीयों नु सपनु चकनाचूर थयो। ऑस्ट्रेलिया सामे भारतीय टीम नो घर आंगणे पड़पनो टूको पड्यो। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत तो कारमो पर आ जाए, करोड़ों देशवासियों माटे आघातजनक समाचार। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत तो कारमो पर आ जाए, वर्ल्ड कप जीतवानु करोड़ों भारतीय नु सपनु चकनाचूर थई गयु छे। ऑस्ट्रेलिया सामे भारतीय टीम नो घर आंगणे ज पड़ो टूको पड़ो ने वर्ल्ड कप अपना हाथ में छीनवाई गयो। ऑस्ट्रेलिया सामे रोहित टीम रितसर घूटाणिये पड़ी गई, जेना परिणाम भारत ने हार नो सामनो करवानो वारो आव्यो। वर्ल्ड कप शुरू थयो त्यारथी फाइनल मैच सुधी निरंतर 10 मैच जीतनारी भारत टीम नो फाइनल मैच धबड़को थता करोड़ों देशवासियों निराश थई गया। वर्ल्ड कप में दशहरा ना दिवसे ज भारत तो घोड़ो न दौड़ता क्रिकेट रसियाओ नहीं, देश नी जनता पर निराश थई गई। आज नो दिवस घणी आशाओ साथे उग्यो हतो, परंतु बपोरे भारत आजे टॉस हार्यु ने हवे वर्ल्ड कप नी फाइनल मैच पण हारी गयु। भारतीय बैट्समैनों ना कंगाल प्रदर्शन थी देशवासियों निराश थई गया। भारत ना 6 खिलाड़ी डबल डिजिट मा पर स्कोर न करी शक्या, जेना कारणे घर आंगणे वर्ल्ड कप नी फाइनल होवा छता भारत जीती न शक्यु। 20 वर्ष बाद फरी थी ऑस्ट्रेलियाए क्रिकेट वर्ल्ड कप नी फाइनल मा भारत ने हराव्यु। घर आंगणे फाइनल होवा छता 2003 नी हार नो बदलो 20 वर्ष पछी पण भारत न लई शक्यु। प्लस होम ग्राउंड और 130,000 पब्लिक के सामने खेलना नॉट अ इजी जॉब। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से प्लेयर कौन है जो मैन ऑफ द मैच के खेलाएगा? हेड वो जो खेला उसने फैंटास्टिक खेला, इतनी टॉप मतलब जो हिसाब से हम लोग बैटिंग नहीं कर पाए और बाद में ये इसने 130 के अप किया गया, फैंटास्टिक। और फाइनल में सबकी इतनी आशाएं थी कि हम जीते हैं, लेकिन वो नहीं हुआ और बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग और डिसअपॉइंटिंग मोमेंट है सबके लिए। हाँ, टोटल तो काफ़ी कम था, कम से कम 300 प्लस तो बनाना ही चाहिए था ऐसे फाइनल मैच में, तो वो तो सबसे बड़ी वजह थी। और अब लक ने भी साथ नहीं दिया, पूरा स्टेडियम इंडियन फैन से भरा हुआ था लेकिन वो भी हेल्प नहीं कर पाया। हम लोग भी यही उम्मीद कर रहे थे कि इंडिया जीतेगी, हम दिल्ली से आए हैं स्पेशली मैच देखने के लिए, लेकिन हार जीत तो वैसे लगी रहती है। इंडिया ने सारे मैचेस इतने अच्छे खेले कि इस बार उम्मीद बहुत ज़्यादा थी, बट आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ने भी बहुत अच्छा खेला, तो ये सब तो चलता रहता है, तो आई थिंक दे ट्राइड देयर बेस्ट। प्रेशर और ऑल्सो ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा है क्रिकेट पे। आज लग नहीं चला इंडिया का जो कि चलना चाहिए था, बैटिंग में भी थोड़ा कमजोर रहे, रोहित शर्मा थोड़ी लापरवाही से आउट हुए जो हमारे कैप्टन हैं, बाकी श्रेयस अय्यर से भी उम्मीद थी वो भी आज नहीं सेट हो पाए। कुछ खेल बॉडी लैंग्वेज भी इंडिया की आज अच्छी नहीं, लैंग्वेज बहुत अच्छी नहीं। ऑस्ट्रेलिया ने फील्डिंग अच्छी करी इंडिया के 30-40 रन रोके भी, मतलब ऐसा नहीं है कि फील्डिंग नहीं करी, फील्डिंग बहुत अच्छी करी उन्होंने, वो डिजर्व कर रहे थे फील्डिंग में जो कि इंडिया में नहीं दिखाई दी हमें। हार की वजह ओवर कॉन्फिडेंस, सारे फैन का इतना प्रेशर उनके ऊपर जो आज वो दिखा नहीं पाए कुछ भी करके, कोई ट्राई नहीं की उन्होंने। स्पिनर्स की बॉडी लैंग्वेज, बुमराह, शमी, सारे बॉलर फेल। फाइनल्स विद एन इजी टीम, आई एम नॉट श्योर इट वाज सो इजी, बट आई एम वेरी सैड इन द फाइनल्स दे कुड हैव जस्ट लिफ्टेड अप द वर्ल्ड कप। And I'm not. It's obviously disappointing, but yeah, on the other end, India had a well campaign and yeah, they did good the whole campaign. अब एक मैच हारे तो कुछ नहीं होता। Anytime for Team India, guys. Anytime for Team India. India हारो जीतो India हमारी होगी। भारत माता की जय। RCB, RCB. तो भारतीय टीम नो तरो आत्मविश्वास भारे पड़ी गयो।
डिसअपॉइंटिंग तो डेफिनेटली था बिकॉज उम्मीदें बहुत थी. इंडिया डिड डोमिनेट द वर्ल्ड कप 2023 डेफिनेटली, एंड बहुत सारी हिस्टोरिक माइलस्टोन्स भी अचीव हुए हैं हमारे खास प्लेयर्स विराट कोहली एंड मोहम्मद शमी. दे डन रियली वेल, बट आई थिंक आज का दिन ऑस्ट्रेलिया के नाम था. उनकी बॉलिंग, उनकी फील्डिंग, बैटिंग, एवरीथिंग वाज ब्रिलियंट, बट स्टिल चीयर्स फॉर इंडिया ऑलवेज. बहुत इंजॉय किया. अब भी हम इंडिया के साथ हैं. हारिए तो क्या है, तो इंडिया वाले ना. हिप हिप हुर्रे. माय नेम इज कृषि जैन, आई एम इन कोलकाता. इंडिया तो सारे मैच अपनी लीग मैच दसों मैच लगातार, ऐसी कोई टीम नहीं है कि जो 10 मैच लगातार जीती हो. स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस बाय इंडिया, नो डाउट. आ कार्यक्रम ना सौ प्रायोजक छे वेलिबल फार्मा नु कैल्सिवेलनेस.